देख रहे हैं खटपट न्यूज। नमस्कार, खटपट न्यूज में आपका स्वागत है। महासमुंद पुलिस ने अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान एक कार से 72 लाख रुपए बरामद किए। रुपये लेकर जा रहे युवकों ने नकदी के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिसके चलते रकम जब्त करते हुए मामले को आयकर विभाग के सुपुर्द किया जा रहा है। महासमुंद SP प्रफुल्ल ठाकुर ने पत्रकार वार्ता में बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि उड़ीसा से आने वाले मार्ग से बड़ी रकम छत्तीसगढ़ लाई जा रही है। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना सिंघौड़ी थाना प्रभारी को दी और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित नाके पर वाहनों की तलाशी के दौरान स्विफ्ट डिजायर कार में बैग के अंदर थैला मिला, जिसमें नोटों की गंडियां भरी हुई थी। पकड़े गए युवकों में से एक भिलाई के छामनी निवासी दिनेश तिवारी और दूसरा खुर्सीपार निवासी योगेश कुमार सिंह निकला। दोनों युवक ना तो नोटों का स्रोत बता सके और ना ही यह बता सके कि नोट किसको देने जा रहे हैं। SP प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि यह मामला आयकर विभाग को सुपुर्द कर दिया गया है, जिसके द्वारा इतनी बड़ी रकम के स्रोत का पता लगाया जाएगा। वहाँ स्विफ्ट डिजायर उड़ीसा के रास्ते से आ रहे थे, उनकी गतिविधियाँ थोड़ा संदिग्ध रही थी, तो रोक के चेक किया गया। चेक करने पे कुछ में से बैग वेग मिले, उनसे पूछताछ की गई, लेकिन उन लोगों का जवाब संतोषप्रद नहीं था। उनको थाने के ला के पूछताछ की गई और जब चेक बैग को चेक किया गया तो तकरीबन 72,55,900 रुपये नकद उसमें से बरामद हुआ। ये दोनों अपने जो कार में जो व्यक्ति मिले, दोनों भिलाई कैंपर के निवासी हैं। उनके द्वारा ये बताया गया कि उड़ीसा से विभिन्न जगहों से एक अमर प्लास्टिक है रायपुर में, उसका पैसा है, हम लोग उसके वसूली के लिए गए थे, वसूल करके ला रहे हैं, लेकिन इस संबंध में इनके पास कोई भी वैध दस्तावेज नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज़, महासमुंद।